Hi guys, welcome back to the channel Naveen and Navantika Vlogs. जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं सभी लोगों की हेल्प कर रही हूँ कनाडा में पीआर कैसे लेनी है और पीआर प्रोसेस के सारे स्टेप्स, सारे डॉक्यूमेंट्स और कहाँ से वो डॉक्यूमेंट्स आपको मिलेंगे, कितनी फीस है, वो सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। तो मेरे साथ इस सीरीज में बने रहें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। इससे पहले मैं एक वीडियो में, जो कि मेरी फर्स्ट वीडियो थी इस सीरीज की, मैं बता चुकी हूँ कि कौन कौन से स्टेप्स हैं। अगर आपको होल प्रोसेस जाननी है एक ही वीडियो में, तो आप उस वीडियो को जाके देखें, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सबसे पहले बात करते हैं फेज वन डॉक्यूमेंट्स की, और फेज वन डॉक्यूमेंट्स में आते हैं ट्रांसक्रिप्ट्स एंड योर वर्क एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट्स। तो ट्रांसक्रिप्ट जो होती हैं, वो आपने जहाँ से भी अपनी एजुकेशन की है उसी यूनिवर्सिटी में आपको मिल जाएगी। यूनिवर्सिटी का अपना एक फॉर्म होता है या फिर कुछ ऑनलाइन प्रोसीजर होता है जिसकी एक फीस होती है। आप यूनिवर्सिटी को कह सकते हो कि वो ट्रांसक्रिप्ट या तो डायरेक्टली WES को मेल कर दें या फिर वहीं से ही WES को वो पोस्ट करते हैं। अगर मेल करवा सकते हो आप, तो वो बहुत ही आपके लिए ईजी हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत ही जल्दी प्रोसेस हो जाती है। अगर आप पोस्ट के थ्रू भेजते हो तो वो थोड़ा सा स्लो होता है, वो 20-21 डेज उसमें लगते हैं। ईमेल के थ्रू आपका थोड़ा सा जल्दी प्रोसेस हो जाता है। इसके बाद आता है आपका वर्क एक्सपीरियंस। आपने जहाँ पे भी काम किया है वहाँ का आपको चाहिए ऑफर लेटर, एक्सपीरियंस लेटर एंड रिलीविंग लेटर। ये तीन तरह के आपको लेटर्स चाहिए। इसके अलावा आपको चाहिए या तो आपने ITR फिल की हो लास्ट ईयर की या जितने भी साल आपने काम किया है, या फिर आप पे स्लिप सबमिट कर सकते हो एवरी मंथ की। और इसके अलावा चाहिए 6 months की बैंक स्टेटमेंट, जिसमें कि आप हाईलाइट कर सकते हो कि आपकी सैलरी उसी बैंक अकाउंट में आई है और किस टाइम पीरियड के बिटवीन आई है। वर्क एक्सपीरियंस जब आप लेंगे तो ध्यान रखिए कि उसमें जो आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, वो जिस भी NOC कोड में आप अप्लाई कर रहे हो उससे रिलेटेड होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक रिसर्च एज अ रिसर्चर जा रहे हो और तो आप रिसर्चर्स वाले NOC कोड में अप्लाई करोगे, और आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी कुछ इस तरह से होने चाहिए, जैसे कि यू हैव डन लैब वर्क, यू हैव रिटन ग्रांट्स, यू हैव रिटन रिसर्च पेपर्स, रिसर्च आर्टिकल्स। तो जो आप NOC कोड के वेबसाइट पे जाइए, उसका भी लिंक मैंने यहाँ पे दे दिया है, तो इस लिंक पे आप जाके अपने NOC कोड को सर्च कर सकते हो और उसी के अकॉर्डिंग अपना एक्सपीरियंस में रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐड करवा सकते हो। इससे काफ़ी बेनिफिट मिलता है, क्योंकि जो इवेल्यूएट करेगा आपकी एप्लीकेशन, वो ज़रूर ये देखेगा कि क्या आपने इस तरह का काम पहले किया भी है या नहीं, जिसके लिए आप यहाँ पे आ रहे हो। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेश्चंस हैं, अगर आपके मन में कोई डाउट्स हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं ऐसी ही शॉर्ट वीडियोस Phase 2, Phase 3 के बारे में भी बनाऊंगी, और उसके बाद आपको एक पूरी प्रोसेस मिल जाएगी जिससे कि आप अपने आप से अप्लाई कर सकते हैं अपने घर बैठे बैठे, विदाउट पेइंग एनी फी टू एनी कंसल्टेंसी। थैंक यू।